आने वाला कल। घबरा मत मेरे दोस्त, मैंने कहीं डाका नहीं डाला ना, किसी को लूटा है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब छोड़ो ये, हमें ये देखना है कि ये पैसे हमारे कैसे काम आए। आप कितने के 50 लाख? जब तक तो मुझे बताओ कि कहाँ से आए, तो इस बात को हाथ रखने तक सुन भी ना। गाँव में मेरा छोटा सा घर था, बंद पड़ा, थोड़ी सी जमीन थी, बेच दी। अरे घर घर क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? मेरा तो घर ये है ना, मैं अपने दोस्त के साथ। वो तो वक्त पे काम आने वाला है। अच्छा वक्त आया, ऐसे भेज दिया तो जाके इतना दिमाग खराब हो गया। अरे मैं किसी तरह मैनेज कर सकता था यार, तुम्हें प्रॉब्लम यार। एक बात बता दे, इतने साल विद्याशा से अलग होने के बाद मुझे अपने घर में किसने दिया? मेरे बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार किसने दिया था? मुझे मेरी माँ को तुमने अपनी माँ के हक से कहा जाए? तुमने हमारे साथ अपनी लिए दौलत शौहरत इज्जत सब बाकी है, आज तुम्हारी कारण से तुम्हारी चलो आज ये बात तुम्हें मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। इतने साल यहाँ रहने के बाद मैं और मेरा परिवार तुम्हारे 10-12 करोड़ के कर्जदार हैं। उसके सामने 50 लाख तो बहुत कम है मेरे दोस्त। नहीं आदित्य, देखो तुम मुझे गलत गलत समझा। मैं तुम्हें गलत समझा? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त सब कुछ समझता हूँ। आदित्य अंकल, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? बचपन से जिसके साथ कुछ नहीं सोचा, उसकी मुसीबत के वक्त उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दूंगा, लेकिन उसने तो हाथ को झटक दिया। जय वाले के कंधे पे हाथ रखने की मेरी आस पास। जय वाले ने मुझे अपने परिवार में जरूर रखा, लेकिन अपना कभी नहीं समझा। जिस दोस्त की बुनियाद मेरी जिंदगी का है, आज उसे इसकी कितना शुरू कर दिया। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज भी मेरे पापा मेरे साथ। प्लीज इनका दिल मत तोड़ो। मेरे पास तेरे जैसा दोस्त, अब तेरा दिल दुखा के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। प्लीज अपने दोस्त को माफ कर दे। तेरा बेटा राशि की कोई
को जो चाहिए वो मिलता है। तुम्हें रानो चाहिए, रानो को पानी दीदी चाहिए, पानी को जय भैया चाहिए, जय भैया को पानी दीदी और बच्चे चाहिए, राशि को सिर्फ बच्चा चाहिए। लेकिन जिज्ञासा को क्या चाहिए कोई सोचता ही नहीं। रणवीर मुझे साहिल चाहिए, राशि के बच्चे के रूप में साहिल वापस आ रहा है। रणवीर मुझे मेरा साहिल दे दो। रणवीर मैं चाहती हूँ जब वो इस दुनिया में आए तो मैं उसको जिंदगी की हर खुशी दे। मामा क्या कर गया, लेकिन मामे रानू को नहीं बुला मामे को बच्चे मुझे बताया तुम्हें रानू मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में मुझे मेरा साहिल मेरा पोता सौंपना होगा। लेकिन भाई ये सब तो मुझ पर बस वापस मुझे सब प्रॉमिस करनी माफ नहीं किया जा सकता। पापा के जाने के बाद आपने हमारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से किया, नहीं गलत रास्ता चुना, उसने आपको कुछ भाव दिए हो तो देखने भी नहीं दिया, क्योंकि अब वो हालत में भी नहीं है कि वो बदला सके। डॉक्टर ने कहा है कि हम उसे उन यादों के बीच ले जाए जहाँ वो बन जाए, शायद वो ठीक हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि हम उसे मान कर साथ आने के लिए तो कह नहीं सकती, बस आपको आपने मुझे सिखाया था कि बुरा करने वालों के साथ बुरा नहीं करना। आपकी नजरों में आपका फैसला था और आपके इस फैसले पर आपका कोई दोष नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जान किसी को इस बारे में पता नहीं चला। दीदी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने ये फैसला लिया। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजर रही है, पर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप माउंट आबू जाने के लिए राजी हो जाएंगे। कितना दर्द हुआ होगा आपको ये फैसला लेने। तुम्हें मेरे फैसले पर कोई शक है क्या रानू? नहीं दीदी, अगर आपने कोई फैसला लिया है तो उसमें गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं जाके अभी सब तैयारियां करती हूँ, हम कल सुबह माउंट आबू के लिए निकल जाएंगे। दीदी आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पिया ने आपके साथ जो किया उसके बाद मेरे मन में उसके लिए कभी प्यार नहीं जागा, लेकिन इस वक्त उसकी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वो उस बीमारी से बाहर निकल जाए, उसके बाद वो अपनी जमीन और अपना आसन खुद खड़ा करे। मैं वक्त पर दवा देती रहूँगी और अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू। हेलो रायन ट्रेवल्स, या मुझे माउंट आबू के लिए 3 टिकट्स बुक करनी है। पैसेंजर्स के नाम है प्रिया दीक्षित, रानो बाली और बानी वाली।
थैंक यू। रानू तुम बानी मामी के साथ माउंट आबू जा रही हो, तो तुम लोग के जाने के बाद मेरा क्या होगा? रानू तुम लोग का ही तो सहारा है बस मुझे, तुम लोग के भरोसे तो मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। अगर तुम लोग के जाने के बाद इस घर में वापस आ गए और उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, काशी ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं रानू, मैं कुछ भी कर सकती। ऐसा मत सोचो राशि, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका दिल और उसका दिमाग। अंदर की ताकत को जगाकर ही तुम इस हालत का सामना कर सकती हो। वैसे भी मिस्टर वाणिया पापा है ना, क्यों चिंता करती हो? और मैं और दीदी तो जल्दी वापस आ रहे हैं। के लिए मेहनत कर रहे जय भैया, कब तक यूं ही मेहनत करेंगे? डर लगता है अगर पानी का मूड खराब हो गया और उसने फिर से सब कुछ तबाह कर दिया तो आप बनाते जाते और वो तबाह करती जाती है। यस सर, आई एम लुकिंग। जय भैया प्लीज इस तरह से मत बात कीजिए, मैं बहन हूँ आपकी, मुझे आपकी चिंता है। मैं मुंह पर सब कुछ कह देती हूँ, इसीलिए सब लोग कहते हैं जिज्ञासा बहुत बुरी है। लेकिन जय भैया आप बहुत भोले हैं, आपके सामने तो हर कोई अच्छा बनता है, आपको तो पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे क्या हो। जैसे अगर कोई जरूरी काम है तो बोलो, नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है जय भैया, जाती हूँ। मैं आपको यहाँ पर अपसेट करने के इरादे से नहीं आई थी, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछने आई थी। बानी पिया से नफरत करती है ना, हम सब जानते हैं। पिया जब हॉस्पिटल में मर रही थी और हमने पिया को इस घर में लाने का फैसला किया था, तो बानी ने क्या कहा? अगर पिया इस घर में आती है तो वो बच्चों को लेकर आउट हाउस में चली जाएगी, कहा था ना उसने। फिर वो अब रानू के साथ पिया का इलाज कराने माउंट आबू क्यों जा रही है? पानी माउंट आबू जा रही? आपको ये बात पता नहीं थी? मेरे मुंह से क्या निकल गया? हो सकता है कि बानी आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपको क्यों नहीं ये बात बताना चाहती थी बानी? खैर, ये आपके दोनों के बीच की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है। मैं कुछ कहूंगी तो लोग बनेंगे जिज्ञासा ने जाकर आग लगा दी। मुझे इससे मत घसी दिया जय भैया प्लीज, मैं जा रही हूँ, अपना काम कीजिए। दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को तकलीफ में डालती हो? क्यों तुम बार बार अपने आप से समझौता करती हो? अपनी अपनी बहन के लिए तो कभी अपने पति के लिए, वाली कभी कभी हमारी अच्छाई हमारी सम्मान को बच सकती सकती।
क्यों जा रही है और क्यों मैं इस फैसले में आपको शामिल करना चाहती हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया तो मेरा मकसद कामयाब नहीं होगा। आप मुझे रोक लेंगे। सब तैयारियाँ हो गई? हाँ जी पापा। ये शॉल भी रखना। ये शॉल पिया की है, मेरे पास थी। बड़े होने का फर्ज निभाया है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें तुम जैसी बहन मिलती है। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। सही कहा माँ, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि इनकी जैसी बेटियां मिली हैं। अरे माँ, आपने इन लोगों को कुछ देना था? आदित्य अंकल, अंकल मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं ऐसे वक्त पे जा रही हूँ जब इस जवानी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा मिस जवानी के साथ हैं, आप उनके साथ हैं। आप इन्हें जरूर अंकल और मेरे वापस आने के बाद मुझे मिस जवानी के दोस्त की जरूरत पड़ी थी उन्हें किसी बात के लिए मनाने के लिए। क्यों, क्या कुछ? नहीं अंकल, ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर मैं लौटने के बाद आपसे इस बारे में बात करूंगी। रानू, वानी क्या कहना चाह रही है? Is everything all right? जी पापा। बेबी, मैं को समझा नहीं। सर्दी की दवाई तुम लेना भूल गए। और वहां ठंड होगी ना? हाँ। घर की चाबी ले ली? मुझे माफ कर देना पापा, मैंने इतना बड़ा फैसला लिया। मुझे आशीर्वाद दो कि जो रास्ता मैंने चुना है उससे मेरे कदम ना लटकाए।